మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, वैभव एडवांस लर्निंग में आपका स्वागत है. आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके सामने. आज मैं लेकर आया हूँ ओम्स लॉ. मैं यहाँ ओम्स लॉ को बहुत ही क्लियर वेरीफाई करूँगा आपके सामने, और इसका टोटल एसी और डीसी टोटल डिस्क्रिप्शन आपके सामने मैं प्रोवाइड कराऊँगा. आप हमारे वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए. हाँ, अगर कंटिन्यूटी चाहते हैं और अच्छा नॉलेज हमारे इस सीरीज़ का लेना चाहते हैं तो हमारे टोटल वीडियो को आप ज़रूर देखिए. यहाँ ओम्स लॉ को हम डिस्कस करेंगे. ओम्स लॉ को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा आपको बताते हैं इसका भूमिका क्या है. बहुत थोड़े समय में आपको क्लियर हो जाएगा कि रियल में ओम्स ने क्या रूल दिया था. देखिए, वोल्टेज है क्या, वोल्टेज इन द सेंस है क्या, वोल्टेज इज नथिंग सिंपली ए इलेक्ट्रिक प्रेशर. वोल्टेज क्या है, एक प्रकार का इलेक्ट्रिक प्रेशर है. इट मीन्स यू कैन से इट इज प्रेशर. प्रेशर का काम क्या है, प्रेशराइज करना, दबाव डालना. तो ये चीज़ बताइए, अगर मान लीजिए हम किसी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, हम किसी के ऊपर कम प्रेशर डालते हैं. अगर हम किसी के ऊपर कम प्रेशर से वो पुश करेंगे तो थोड़े से में उसकी स्पीड कम होगी, वो धीरे से आगे बढ़ेगा. लेकिन अगर हम किसी को ज़्यादा प्रेशर से अगर हम पुश करेंगे तो और तेज़ी से आगे बढ़ेगा. तो सिंपल सा मैटर है, अगर इलेक्ट्रॉन पे हम प्रेशर ज़्यादा देंगे, मतलब वोल्टेज ज़्यादा देंगे, तो वो अधिक मात्रा में फ्लो करेगा. जब उस पर प्रेशर कम देंगे तो क्या करेगा, कम मात्रा में फ्लो होगा. इसका मतलब क्या है कि जो करंट की फ्लो होने का, जो करंट जो फ्लो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल में होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज के होता है. कि हम वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी, वोल्टेज की वैल्यू घटाएंगे तो करंट की वैल्यू घटेगी, बट एट सेम फिजिकल कंडीशन. ये घटनाएं तभी होंगी जब फिजिकल कंडीशन सेम हो. फिजिकल कंडीशन मतलब जो आपके सामने एनवायरनमेंट का जो कंडीशन है. जैसे मान लीजिए कि अगर हम फिलामेंट लैंप की बात कर दें, लैंप जो जलता है उसके अंदर जो फिलामेंट लैंप होता है उसके क्रॉस वोल्टेज और करंट हम देखेंगे तो वहाँ ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा. क्यों, क्योंकि जैसे टाइम बीतता जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम देखेंगे फिलामेंट लैंप का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और तब हम देखें कि वोल्टेज और करंट का रिलेशन बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता. क्योंकि टेम्परेचर वहाँ कांस्टेंट नहीं है. टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए. ऐसे कंडीशन में हम वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी, या वोल्टेज की वैल्यू घटाएंगे तो करंट की वैल्यू घटेगी. अगर हम हीटर के और वायर के, अगर हम इस लॉ को फॉलो करें हीटर के वायर पे जिसका टेम्परेचर लगातार बढ़ घट रहा है, तो वहाँ ये रूल फॉलो नहीं करेगा. फिलामेंट लैंप पर इस रूल को फॉलो करें तो वहाँ भी ये रूल क्या करेगा, फॉलो नहीं करेगा. ठीक है ना, तो सिंपल सा है फैक्ट, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है. ऊपर मैंने हिंदी में लिख दिया है, स्थिर ताप दाब पर चालक में बहने वाली धारा वोल्टता की क्या होती है, समानुपाती. समानुपाती का मतलब कि समान अनुपात वोल्टेज करंट का सेम रेशियो होता है. मतलब अगर एक की वैल्यू बढ़ेगी तो उसी के अनुसार दूसरी भी वैल्यू बढ़ेगी, एक की वैल्यू घटेगी तो उसी के अनुसार दूसरे की वैल्यू घटेगी. बहुत सिंपल सा मैटर है. अब देखिए, इंग्लिश में मैंने लिखा है, द करंट आई फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अक्रॉस कंडक्टर एट सेम फिजिकल कंडीशन. इसका मतलब आप तो समझ ही गए होंगे कि जो करंट फ्लो होती है आई, वो क्या होती है, वोल्टेज के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. हम वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी, वोल्टेज की वैल्यू घटाएंगे करंट की वैल्यू घटेगी, एट सेम फिजिकल कंडीशन. अगर यहाँ हम इसको ऐसे लिख रहे हैं आई प्रोपोर्शनल टू वी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी प्रोपोर्शनल टू आई जस्ट अबव. ठीक है, नो, इसमें कोई ऐसी मैटर नहीं है. तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल का सिंबल घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जेड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा. तो यहाँ भी बराबर क्या हुआ, आर इंटू आई. अगर हम यही जो आर है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो हम यहाँ एक नियतांक क्यों लगाते हैं. मैंने आपको बताया था एक कांस्टेंट हम क्यों लगाते हैं, इसका कारण क्या है कि जब हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो इक्वल हम लिखते हैं.
अब इक्वल दोनों होंगे कि नहीं इस बात की गारंटी नहीं होती है, इसीलिए कांस्टेंट रख करके हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अगर इसकी वैल्यू बढ़ रही है तो ये घटा करके इसके बराबर कर देगा, अगर इसकी वैल्यू घट रही है तो ये उसको बढ़ा करके इसके बराबर कर देगा, ठीक है, इसीलिए कांस्टेंट पुट करते हैं। तो ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू नियतांक होगा, एकदम बिल्कुल क्या होगा, फिक्स होगा। हम जितनी भी बातें आपको यहाँ हम बता रहे हैं उतना आपके सामने अभी मैं दिखाएंगे भी कि कैसे ये फिक्स रह रहा है, कैसे वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें आपके सामने बिल्कुल अभी हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे कैसे हो रहा है, ठीक है ना। ये जो रूल है फार डीसी के लिए, क्या किसके लिए, ये डीसी के लिए है, ठीक है। एसी में भी ओम्स लॉ फॉलो होता है, ठीक है, बट उसका हाई फ्रिक्वेंसी पर ओम्स लॉ जो है वेरीफाई नहीं कर पाता है, ठीक है। तो अभी हम इस पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए, मान लीजिए आपके सामने एक सर्किट है, यहाँ पे रेसिस्टेंस हमने लगाया है 3 ओम का, यहाँ पर वोल्टेज लगाया कितना, 6 का, तो करंट कितना फ्लो होगा इसमें, 2 एम्पियर करंट फ्लो हो गया। तो ये रेसिस्टर है ना, ये 3 ओम का रेसिस्टर है, तो हम अगर हम वोल्टेज को चेंज करना चाह रहे हैं तो हम जो इस सर्किट में लगाए हैं, जब हम वोल्टेज बढ़ा दिए, मान लीजिए 6 वोल्ट की बैटरी थी आपके पास, अब आपके पास कितनी बैटरी आ गई, 12 वोल्ट की बैटरी, तो हम रेसिस्टेंस यही हम पुट करेंगे ना, इस पर भी हम इसी पर हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं ओम्स लॉ का। तो जो रेसिस्टेंस यहाँ पुट किए हैं वही रेसिस्टेंस क्या करेंगे हम यहाँ भी पुट करेंगे, तो यहाँ आप देखेंगे कितना करंट फ्लो हो गया, क्योंकि 4 एम्पियर करंट फ्लो हो गई, क्या हो गई, 4 एम्पियर करंट फ्लो हो गई। इस प्रकार आपने क्या देखा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ V बराबर I बराबर क्या हुआ R, यहाँ से एक भी ये भी इक्वेशन बन जाएगा आपका। तो यहाँ आपने क्या देखा, देखिए जब हम वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाए तो करंट की वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। अगर 6 वोल्ट है तो 12 वोल्ट जब किए तो करंट की वैल्यू कितना हो गया, 4 एम्पियर हुआ, तभी 4 × 12 ओम रेसिस्टेंस 3 ओम होगा। और यहाँ पे क्या होगा, R बराबर V अपन I यानी कि 6/2 3 ओम का रेसिस्टेंस होगा। इसको प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर जब हम मान लीजिए वोल्टेज को बढ़ा दिया 18 वोल्ट कर देंगे, तब करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 एम्पियर हो जाएगी। देखिए हमने एक यही रेसिस्टेंस लिया यहाँ पे, और हमने क्या किया, यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू क्या कर दिया, 18 वोल्ट कर दिया, 3 यही फिक्स है, तो कितना करंट फ्लो हुआ, 6 एम्पियर करंट फ्लो हुआ। इस प्रकार आपने क्या देखा कि जैसे जैसे वोल्टेज चेंज हो रहा है आगे की ओर बढ़ रहा है, वोल्टेज की वैल्यू बढ़ रहा है, उसी के अनुसार करंट की वैल्यू भी क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है, लेकिन जो रेसिस्टेंस है वो हर जगह क्या हो रहा है, फिक्स हो रहा है। यही आर कांस्टेंट होता है, जो सर्किट में क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं करती है, ठीक है। तो इस प्रकार ओम्स लॉ को डिफाइन हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज और उसमें बहने वाली धारा करंट, ये क्या होती है, एक नियतांक होती है, कांस्टेंट होती है एट सेम फिजिकल कंडीशन। सेम फिजिकल कंडीशन में कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज और उसमें फ्लोइंग करंट का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। आप इस तरह से भी इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं बहुत ईजिली, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है अच्छे तरीके से। तो हमने ये कंडीशन आपके सामने भी प्रूफ करा दिया कि कैसे जो है ये घटनाएं हो रही हैं, ये वैल्यू कैसे फिक्स आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको हम नोट डाउन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि ये तीनों सर्किट जो है इस रूल को तभी फॉलो करेंगे जब इन तीनों का टेम्परेचर, स्ट्रेन और प्रेशर, मतलब ताप, दाब, स्ट्रेन का क्या मतलब होता है, खिंचाव, ये तीनों कंडीशन इसका 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 जब तीनों का सेम रहेगा तभी ये रूल क्या होंगे, फॉलो होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। मतलब अगर रूम टेम्परेचर पे हम इसको रखें, मान लीजिए हमारे कमरे का टेम्परेचर इतना है, उसी टेम्परेचर पे इसको भी, उसी टेम्परेचर पे इसको भी, तभी ये रूल फॉलो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर हम इनके जगह पे क्या लगा दें, यदि हम इनके जगह पे टेम्परेचर अगर चेंज होगा, फिलामेंट लैंप अगर हम लगा देते हैं तो फिलामेंट लैंप के लिए ये रूल फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, लगातार चेंज होता रहता है, फिलामेंट लैंप के लिए रूल फॉलो नहीं होगा। तो देखिए, जिस कंडक्टर के लिए ये रूल फॉलो होते हैं उसको हम ओहमिक कंडक्टर कहते हैं, और जिस एलिमेंट में ये रूल फॉलो होते हैं उसको हम लीनियर एलिमेंट कहते हैं, ठीक है ना। और जिस कंडक्टर के लिए ये रूल फॉलो नहीं होते हैं
उस कंडक्टर को हम नॉन ओहमिक कंडक्टर कहते हैं, जिसको हिंदी में अमोई है, कुछ है, हिंदी का शब्द है, ओहमिक और अओहमिक कंडक्टर कहलाते हैं, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे, ये एलिमेंट है, ये इंडक्टर है, कैपेसिटर है, तो ये इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए भी ओम्स लॉ फॉलो होता है, ठीक है। इंडक्टर और कैपेसिटर के क्रॉस अगर हम वोल्टेज लगाएं, एसी वोल्टेज अगर इनके क्रॉस लगाएं, तो भी ये रूल फॉलो होते हैं। तो फॉर एसी के लिए आपका जो वोल्टेज होता है, जो करंट होता है वी, यानी कि वी प्रोपोर्शनल टू आई, जब सिंबल हटता है तो यहाँ आ जाता है जेड, क्या आ जाता है, जेड आ जाता है एसी के केस में। एसी के केस में भी ये फॉलो करता है, बट हाई फ्रिक्वेंसी पे नहीं। तो ये एसी के लिए ये जेड क्या है, एक प्रकार का इम्पीडेंस है, क्या है, इम्पीडेंस है। तो जहाँ जो काम रेसिस्टेंस डीसी सर्किट में करता है, वह काम इम्पीडेंस एसी सर्किट में करता है। इसको हम डिटेल स्टडी करेंगे एसी सर्किट में, ठीक है ना। तो समझ लीजिए, ये भी एक तरह का रेसिस्टेंस है इन एसी सर्किट, ये भी एक तरीके का रेसिस्टेंस है इन डीसी सर्किट, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये इंडक्टर के लिए भी ये रूल फॉलो होता है, कैपेसिटर के लिए भी ये रूल फॉलो होता है, इसलिए इनको हम लीनियर एलिमेंट कहते हैं। यानी कि आर, एल, सी, ये तीनों क्या हैं, लीनियर एलिमेंट हैं। क्या हैं तीनों, लीनियर एलिमेंट हैं। इसको ओमिक कंडक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि ये ओम्स लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। लेकिन अब आप फिलामेंट लैंप ले लीजिए, बैरिस्टर ले लीजिए, थर्मिस्टर ले लीजिए, क्या क्या, ये मेटल, आर, एल, सी, मेटल कंडक्टर, इन सब के लिए फॉलो होते हैं, ठीक है ना। इंसुलेटर सबके लिए फॉलो होते हैं, किसके लिए फॉलो नहीं होते हैं, जैसे आपका बैरिस्टर हो गया, आपका थर्मिस्टर हो गया, जिसका टेम्परेचर के अनुसार रेसिस्टेंस चेंज होता है, आपका फिलामेंट लैंप हो गया, आपका डायोड हो गया, आपका आपका ट्रांजिस्टर हो गया, आपका फेट हो गया, मॉसफेट हो गया, ये सब के लिए ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है, ठीक है। उनको आप लगा देंगे सर्किट में, आप वोल्टेज करंट बढ़ावें, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी रेशियो से करंट बढ़ेगी, ठीक है ना। तो जो ओम्स लॉ को ये फॉलो नहीं करते हैं, इनको नॉन ओमिक कंडक्टर बोलते हैं या नॉन लीनियर एलिमेंट बोलते हैं। इनको क्या क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर एलिमेंट। ये नॉन लीनियर एलिमेंट हैं और ये सब क्या है, लीनियर एलिमेंट हैं, ठीक है। तो लीनियर एलिमेंट के लिए ओम्स लॉ फॉलो होता है, ये एसी में भी फॉलो होता है और डीसी में भी फॉलो होता है। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, तो आपने क्या देखा, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, उसी तरह से करंट की वैल्यू क्या हो रही है, सर्किट में बढ़ रही है। तो यानी कि अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, तो यहाँ पे अगर हम छोटा सा ग्राफ बनाएं, तो देखिए ये वोल्टेज है, ये करंट है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक वोल्ट, दो वोल्ट, तीन वोल्ट, चार वोल्ट, एक एम्पियर, दो एम्पियर, तीन एम्पियर, चार एम्पियर। अगर एक वोल्ट पे भी करंट एक एम्पियर है, इसका मतलब एक वोल्ट एक, इसको जब हम पॉइंट करेंगे तो यहाँ आएगा। फिर दो वोल्ट पे दो एम्पियर है, तो दो और दो को पॉइंट करेंगे तो यहाँ आएगा। तीन वोल्ट पे तीन एम्पियर है, तो पॉइंट करेंगे तो यहाँ आएगा। तो जो हम प्रैक्टिकल किए रहेंगे, तो उस पर देखेंगे किस वोल्ट पे कितना करंट है, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम इसको ग्राफ में दर्शाते जाएंगे, अब फिर जब इन सारे पॉइंटों को मिलाएंगे, तो हमें एक लीनियर डायग्राम मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, जो ये बताता है ओम्स लॉ क्या है, वेरीफाई है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो ग्राफ बनता है, वो क्या बोलता है, बनता है एक लीनियर डायग्राम, एक लीनियर स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। इस प्रकार से ये टोटल एक्सप्लेनेशन है आपका ओम्स लॉ का, ठीक है ना। देखिए ओम्स लॉ का निष्कर्ष क्या निकलता है, बस इतना ही आप जानिए कि अगर टेम्परेचर, स्ट्रेन, प्रेशर सेम हैं, तो वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी, अब वोल्टेज की वैल्यू घटाएंगे तो करंट की वैल्यू घटेगी। इतनी बात को एक लाइन में कहना है तो कह दीजिए, वोल्टेज करंट के या करंट वोल्टेज के समानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। इस प्रकार हमारा ओम्स लॉ टॉपिक्स क्लियर हुआ। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ को हम और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, हमारा नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा। किरचॉफ्स लॉ बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं हम। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। हमारे वीडियो को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, यही आपके लिए दक्षिणा है।